सोनालीस किचन, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मलाई चिकन की रेसिपी। इसके लिए हमने आधा किलो जितना चिकन लिया है, आधी कटोरी जितनी दही ऐड करनी है। सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हमने आधी कटोरी जितनी मैदा डाल दिया है। नमक डालेंगे अब इसमें, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्की सी हल्दी, दो बड़े चम्मच सरसों का तेल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग आधे घंटे के लिए इसे हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। इसके बाद एक कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल और डालेंगे। अब उसे गर्म होने देंगे। अब इसमें हमने 5 से 6 काजू के टुकड़े डाल दिए हैं, अदरक डालेंगे थोड़ी सी, हरी मिर्ची, अब इसमें हम मैरिनेट किए हुए चिकन पीसेस जो हैं वो ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। इस रेसिपी को हम बिना प्याज और टमाटर यूज़ किए बनाने वाले हैं, तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना और आपको पता चलेगा कि इस रेसिपी में हमने क्या क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। इसके साथ इसमें हमने कुछ मसाले और ऐड करने हैं, जैसे थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, धनिया पाउडर और हल्की सी लाल मिर्च। और इसमें हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करनी है। अब हमें चिकन पीसेस को हाई फ्लेम पर ध्यान से पकाना है। इस रेसिपी को प्रिपेयर करने में आपको हार्डली 40 से 45 मिनट्स लगेंगे। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। और गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। अब हम इसमें हमने आधा चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर डाला है। और अब ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए हम रख देंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। हमने इसमें एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी यूज़ नहीं करने हैं। मेनली जो हमने मैरिनेशन के टाइम पे मसाले यूज़ किए थे, बस हम वही यूज़ करने वाले हैं इसमें। आप देख सकते हैं सारे मसाले जो हैं वो ग्रेवी में अपने आप ऐड हो चुके हैं इसी में ही। क्योंकि हमने चिकन पीसेस बड़े वाले लिए हैं, तो इसको पकने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप ये रेसिपी इंस्टेंटली बनाना चाहते हैं, तो आप इसको प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगवा के जल्दी से पका सकते हैं। पर इसमें अगर हम जब कढ़ाई में पकाते हैं, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है।
तो अब इसको हम ऐसे ही पकने देंगे। इसकी ग्रेवी जो है वो हमें अच्छे से ड्राई कर लेनी है बिल्कुल ही। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल पर चिकन से जुड़ी और भी रेसिपीज हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट पक चुका है। एंड स्टेज पर इसमें अब हम मलाई ऐड करेंगे। दो बड़े चम्मच इसमें हमने मलाई डाल देनी है। अब थोड़ा सा इसमें अब हम हरा धनिया डाल देंगे। सारी ग्रेवी जो है वो भी अच्छे से ड्राई हो चुकी है, तो इस स्टेज पर हमारा जो मलाई चिकन है वो बनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करके देखें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसकी फाइनल प्लेटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिना टमाटर प्याज का यूज किए हुए हमने मलाई चिकन की रेसिपी तैयार कर ली है। तो आप भी इस तरीके से आप इस चिकन को बनाकर घर पे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड में इसको हम काजू से डेकोरेट कर देंगे और हल्का सा धनिया इसमें हम और डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।